हाँ अपना बैग तो डिग्गी में भूल गई थी। खैर मुझे तो लगा था कि फ्लाइट छूटी जाएगी, चले गए। अरे फ्लाइट छूट भी जाती तो क्या होता, डीएम साहब को बोलकर फ्लाइट रुकवा देते। चुटकी बचा। हाँ भाई हाँ, बड़ी खिंचाई हो रही है अपने मामा की है। नहीं नहीं यादी, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम और रूबल आज से ऑफिस संभाल लो, क्योंकि भाई अब तुम्हारे इस मामा को भी थोड़ी फुर्सत चाहिए अपनी मामी के लिए। You're absolutely right भैया। और नहीं तो क्या, हर वक्त ऑफिस का काम ऑफिस का काम ऑफिस का काम, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं इस घर में। हाँ पांकुरी तुम रहने दो, रेस्ट करो। वाह मॉम। हाँ अरे भाई मैं आज के दिन ऑफिस जाऊं और ये मैडम आराम करे। हाँ वैसे शादी हम दोनों की हुई है। नहीं एक्चुअली ना इसे काम करने दी, क्योंकि अगर बिजी रहेगी ना तो मुझे डिस्टर्ब कम करेगी। हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सच अ वंडरफुल डे। अरे गोर्धन अंकल गए? हाँ आदि और पापा अभी तो ड्रॉप करके आए उन्हें। लेकिन इतनी सुबह? अरे वो लोग एयरपोर्ट टूरिंग करने थोड़ी गए इतनी सुबह सुबह, उनकी फ्लाइट थी। अरे हरीश अंकल लेकिन आपको मुझे उठा देना चाहिए था ना, मैं तो गोर्धन अंकल को सी ऑफ भी नहीं कर पाया और उनकी। उनकी फैमिली को बाय भी नहीं बोल पाया। मैं काम करता हूँ अभी जाता हूँ, उन्हें बाय बोल के आता। अबे उल्लू द फ्लाइट इज गोइंग टू कुल्लू। और वैसे भी दो दिन में गोवर्धन मामा के बहुत करीब हो गया ये। एक काम कर तू कुल्लू चले जा। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया मेरे भाई। काम करता हूँ मैं, कल ही कुल्लू चले जाता। आई मीन टू से कि हम सबको कुल्लू चले जाना चाहिए। कुल्लू उल्लू बाद में जाएंगे, पहले ब्रेकफास्ट करते हैं, बहुत भूख लगी है मुझे। जाना जरूरी है क्या? क्या हम सब एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते? बेटा इस तरह अपने प्यार में बांध रखोगे हम जा नहीं पाएंगे। और फिर वहां जाकर भी तो सब कुछ संभालना है ना बेटा। और मैं अभी से कह रही हूँ अगली छुट्टियां हम सब मिलकर सुल्तानपुर की हवेली में मनाएंगे। चार दिन ऑफिस बंद रहेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा आदि। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे। अरे भाई मुझे भी तो देखना है मेरे ढोलपुर के अलावा और कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी हवेलियां हैं। बस मैं ही इस फैमिली रियूनियन को मिस कर दूंगा। मैं तुझे बहुत मिस करेंगे यार, रियली मिस यू। मिस्टर कपिल आप तैयार हैं? प्रीति की एक किडनी डैमेज्ड है, बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। जब मैं जाऊंगा आप लोग बड़े अपसेट होंगे, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं यहाँ से आप सबके स्माइलिंग फेसेस की मेमोरीज अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। प्लीज
सर कपिल। ऑफिसर, एक रिक्वेस्ट थी आपसे, अगर कपिल की पनिशमेंट थोड़ी कम हो सके तो। डोंट वरी मिस्टर कुमार, वी विल बी फेयर। और हाँ, मेरी एक आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, प्लीज जब भी आप लोगों को स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया जाए कोऑपरेट कीजिएगा। वी आर विथ यू। चलिए मिस्टर कपिल। अपने आप को संभालो। चलिए, शादी तो अच्छे से निपट गई। हाँ बुआ, मैं जा रही हूं। जा रही हूं कहाँ? मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कि कहां जा रही। उस लड़के के साथ जाना होगा, है ना? वो आपको प्रॉब्लम क्या है? आपके कहने पे मैं मुंबई आई ना शादी में, फिर ऐसी। देखा आपने? देखा ये किस तरह से बात कर रही है मुझसे? एक मिनट, शांत हो जाइए। देखो बेटा पायरा, तेरे पिताजी ने तेरी शादी की जिम्मेदारी हमें सौंपी है, और तू जिस लड़के से शादी करना चाहती है तेरे पिताजी को वो लड़का फूटी आंख नहीं सुहाता है। कम से कम शांत मन से हमारी बात को समझने की कोशिश तो कर। मुझे किसी की कोई बात नहीं समझनी है। मैं आज तक उनकी मर्जी के हिसाब से चलती आई हूँ, पर दिस टाइम मैं अपने तरीके से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, एंड दैट्स फाइनल। कोई मुझे नहीं रोक सकता। देखा आपने? देखा ये लड़की कितनी जिद्दी हो गई है। ये सब जो है आपके भाई साहब की सख्ती का नतीजा है। खैर, मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जिस लड़के से शादी करना चाहती है आप लोग इसकी शादी उस लड़के से क्यों नहीं करवा देते भाई? अगर लड़का अच्छा होता तो उसे शादी कराने में क्या परेशानी थी हमको? लेकिन ये लड़का, भाई साहब कह रहे थे कि आज तक अपने बाप के पैसों पे पल रहा है वो, घर व्यापार कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं रखी है उसने, बस पूरा दिन पूरे कुल्लू में मोटरसाइकिल लेके आवारागर्दी करता फिरता है। अरे मुंबई पहुंच गया था वो, और मैंने तो सुना है उसने खाने पीने के भी शौक पाल कर रखे हैं। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए। एक काम करते हैं, अभी थोड़ी देर में आपके भाई साहब आने वाले, उनके साथ चुपचाप बैठ के राय विचार करते हैं। लड़की का मामला है, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी जब भाई साहब आएंगे तब उनके सामने मैं एक प्रस्ताव रखने वाली हूँ, और आपको उसमें मेरी मदद करनी है। हाँ मेरी बात आराम से सुनिए, भाई साहब से आप ही बात करिएगा। आपको क्या लगता है जीते रहो बेटा, जीते रहो बहू, हमेशा इस घर के पूरे परिवार की एकता इस तरह बनाकर रखना बेटा। आदि यहां आओ बेटा। सच कहूं तो तुम दोनों से कहने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम दोनों तो हम सबसे बड़े हो। तुम ही ने हमें सही रास्ता दिखाया, रिश्तों को निभाना सिखाया, बस हमें ही समझने में देर लग गई। बेटा बेटा चला गया, दीजिए चाची जी। और वैसे भी आप लोग इतनी भी दूर कहां जा रहे हैं? बिल्कुल सही, और जब भी मन करेगा ना सीधा ट्रेन का टिकट निकाल के सुल्तानपुर पहुंच जाएंगे। और नहीं तो क्या, वहां तो ट्रेन से ही जाना पड़ेगा ना, एयरपोर्ट तो होगा नहीं वहां। शीला बहू, जैसे तुम्हारे ढोलपुर में हवाई जहाज उतरता है।
राहुल? अरे राहुल बेटा आओ आओ, मैंने ही इसे बुलाया था। एक भूल थी जो सुधारना जरूरी था। राहुल, भले ही रेवती सुल्तानपुर रहे, लेकिन उसका सपना पूरा करने में तुम उसकी मदद करना। मैंने हमेशा अपनी बेटी को संगीत से दूर रखा, लेकिन अब मैं चाहती हूं कि ये पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करे। हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा छोटी नानी, जैसे इसकी ट्रेनिंग खत्म होती है ना, इसे सुपरस्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ अनुराधा, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भाई साहब, हो सके तो मुझे माफ कर देना। चलिए चाचा जी, ट्रेन का समय हो रहा है। जीजा जी, ऐसे लड़के से जिसे ना संस्कारों की पड़ी है ना समाज की, अपनी बेटी की शादी कैसे कर दूं उससे? पता नहीं क्या कहकर उसने फुसला लिया पायल को। और नहीं तो क्या, कुल्लू में तो वैसे भी लोग बातें करने लगे, और ऐसे में कुल्लू के कुल्लू में ही कोई अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल ही है। मैं तो कहती हूँ भैया, अब पायल के लिए ना कुल्लू के बाहर से कोई रिश्ता खोजते। क्यों जी? बात तो सही है, लड़का अगर गलत हो तो बेटी को नहीं सौंपा जा सकता, लेकिन ये बात उसको समझाएगा कौन? जीजा जी, पायल की माँ के जाने के बाद मैं ये नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि बाप बेटी को संभाल ही नहीं पाया, और फिर मैं कहां उससे जबरदस्ती कर रहा हूं कि किसी भी लड़के से वो शादी कर ले। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि ये गलत लड़के से शादी ना करे, बस। ठीक है, मैं पायल से बात करता हूं। वैसे एक लड़का है मेरी नजर में, वो मुंबई में अपनी पंखुड़ी का जो देवर है ना, वो रूबल। हाँ भैया, बहुत ही अच्छे लोग हैं, हमारी पंखुड़ी कितनी खुश है उस घर में, वो तो आप जानती है ना। पंखुड़ी बेटा, कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और तुम आज से ही काम पे लग गई, ऐसा कभी होता है क्या? हाँ मामी जी, कौन सा मेरी शादी पहली बार हुई है। हाँ ये बात भी तो सही है, मगर बहुत मजा आया इस शादी में। पता है मुझे क्या लगता है, हमें ना हर थोड़े थोड़े दिनों बाद ना किसी की शादी कर देनी चाहिए, बहुत मजा आता है। वैसे मैंने भी एक चीज डिसाइड की है, मेरे और अनुज की 25वीं सालगिरह पे ना हम फिर से शादी करेंगे। इस साल आपकी 25वीं सालगिरह है मामी जी? नहीं रे बाबू, अभी मेरी इतनी उम्र कहाँ हुई है, अभी तो सिर्फ 8-10-15 साल ही तो हुए मेरी शादी को। तो रूबल भैया तो 25 साल के हो गए। कितने सवाल करती है रे तू, काम कर। अच्छा छोड़, चाय बना मेरे लिए, चाय बना। काश मेरी भी एक बहू होती रूबल को देखती हूँ ना तो मुझे उसकी बहुत चिंता होती है। लतिका से धोखा खाने के बाद पता नहीं अब वो फिर से शादी करने के लिए राजी होगा भी या नहीं। मामी जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि वो शादी करने के लिए राजी हो जाए बेटा, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक साथी की जरूरत होती है, और फिलहाल उसे एक ऐसी साथी की जरूरत है जिस पर वो पूरी तरह से भरोसा कर सके। बेटा, अगर तुम्हें मौका मिलेगा तो रूबल से एक बार बात करोगी? मेरा नाम मत लेना। ओके, करेगी ना? जी मैम। चाय बाहर भिजवा देना। ओके। मॉम, सडनली घर कितना खाली लग रहा है ना, सब चले गए और अब आप भी ना जाने की जिद कर रही हैं। This is not fair, okay? आदि, why are we discussing this again and again? Yeah.
ओह, मुझे लगा थोड़ा चांस ले लेता हूँ, शायद आप रुक जाए। रियली मॉम, मैं आपको बहुत मिस करूंगा। यू नो, साथ में रहना और अलग अलग किसी और घर में रहना ना, बहुत फर्क होता है। यू बिन पंकुड़ी नाम आदि पाल घर में अकेली है। I have to leave. Okay. Okay. अच्छा आदि, मैं कुछ सोच रही थी। बताइए। I discussed it with Harish and he's not sure about it. क्यों ना हम तुम्हारी कजिन पायल और रूबल की मैरिज अलायंस को फिक्स करें? और एटलीस्ट उसके बारे में सोचें। ओनली इफ रूबल एंड पायल आर ओके विद इट। मैरिज में मैंने नोटिस किया कि वो दोनों काफी बॉन्ड कर रहे थे। अब इतना मत सोचिए भैया, रूबल की पहली शादी तो सिर्फ नाम की शादी थी। और जरा सोचिए, हमारी पायल पंखुड़ी के साथ में रहेगी तो पंखुड़ी भी तो मामला संभालती रहेगी ना। और भाई साहब, रूबल उस घर का इकलौता बेटा है, हमारी पायल माँ ठाट से रहेगी। आप लोगों को लगता है कि रूबल और पायल की शादी की बात चलानी चाहिए, बात आगे बढ़ाइए। मुझे एकदम पता था भाई साहब कि आप जरूर मान जाएंगे। मैं अभी पंखुड़ी को फोन लगाती हूँ। But you know what? I don't think it's a bad idea. I mean, Rubal has to move on in life and Pahal is a really good girl, yaar. हाँ, दोनों थोड़े opposites हैं। वो कम बोलती है, धीरे बोलती है। But I think it's a really good idea. See, I knew you would agree with it. लेकिन अब डैड का कौन समझाए? अरे मॉम, when Adi is near, I have no fear, okay? अब रूबल की शादी का जिम्मा ना सिर्फ मेरा है, okay? मामी जी। हेलो मामी जी, आप लोग ठीक से पहुंच गए ना? हाँ बेटा, सब ठीक से पहुंच गए और सारी मिठाइयाँ सबको बहुत पसंद आई। अच्छा पंखुड़ी बेटा, एक जरूरी बात करनी थी पायल के बारे में। अपनी पायल? हाँ अपनी पायल। दरअसल मन में एक बात आई थी, अगर रूबल और पायल की शादी के बारे में बात चलाए तो कैसा रहेगा? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।